मैं डिस्ट्रिक्ट कानपुर देहात से बोल रहा हूँ जी सर। मेरा डिस्पैच मतलब इन लोगों ने रोक लिया। आपकी न्यूज में सब्सक्राइबर भी हूँ मैं, उसी नवंबर वाला पेपर जो हुआ था 2020 में, उसके बाद 26 नवंबर को मेरा रिजल्ट आया सर। तो क्लर्क में मैं भर्ती हुआ था सर। तो सर जून में इन लोगों ने बता दिया कि तुम्हें दूसरे यारों से रजिस्ट्रेशन कर रहा। तो सर इस वजह से मुझे रोक लिया है। इसका मैं क्या करूँ सर? जहाँ तक अगर आपका केस है या किसी और का केस है, इस बारे में मेरी बातचीत हुई थी कानपुर में, उस समय कर्नल आशुतोष मेहता थे डायरेक्टर, राइट। जी सर, जी सर, तो अभी वो तो हो गया पोस्टिंग आउट वहां से। जी मैंने उनसे बातचीत की थी, ऐसा ही एक मुद्दा और भी था, उसकी भी ज्वाइनिंग रोकी हुई थी। मैंने उनका RMDS नंबर वगैरह भेजा था, जी लेकिन फाइनली उन्होंने मुझे कहा कि यार देवेंद्र, मैं तो वहां से अभी पोस्टिंग आउट हो गया, जी तो वहां पर अब नए CEO कौन है यार? या तो अगर उनके एस हैं चटर्जी सर आए हैं सर, एस चटर्जी सर आए हैं नए कर्नल साहब। S. Chatterjee, जी सर, यार उनसे मेरा कोई कांटेक्ट हो नहीं पाया, उनसे कोई बातचीत हो नहीं पाई, मैं आपकी समस्या वहां तक पहुंचा हूँ उनसे बात करूं तो, ये चीज है। और सर जो मेरी माताजी हैं वो बने मरीज हैं हार्ट अटैक की। अगर मैं उन्हें कुछ बता देता हूँ सर तो पता नहीं क्या होगा सर। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ सर। मुझे लग रहा है कि एक ही और पैसा मेरा साथ जा चुका है। घर वाले बहुत परेशान हैं सर। सर मैं पूरी तरह देखो, से हम हमारे स्तर पर यार प्रयास करते हैं, पूरा मामला क्या है एक्चुअली, ये चीजें है ना सभी के साथ में हो रही है देश। जी सर, वही तो बात है सर। अगर मतलब ऐसा कुछ सर हमें पहले से पता होता तो हम क्यों मतलब अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते सर? हाँ, जय हिंद साथियों। देश भर के युवा सेना भर्ती रैली और एग्जाम कराने की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आक्रोश रैलियां निकाल रहे हैं। वो अपने हक के लिए, वो अपने जायज हक के लिए सरकारों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी इनकी मांगों पर तो कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर पूर्व में हुई सेना भर्तियों में ग्राउंड फिट यानी दौड़ और मेडिकल फिट युवाओं को बिना एग्जाम कराए ही बाहर करना शुरू कर दिया है। यहां तक कि उन युवाओं को भी बाहर किया गया है जिनका सेना में चयन हो गया था, वो मेरिट में आ चुके थे, बस उनको डिस्पैच होना बाकी था। लेकिन ऐन वक्त पर आकर उनमें से अब ऐसे कई लड़कों को बाहर कर दिया गया है। अब ऐसे में उन युवाओं को एक बहुत बड़ा झटका लगा है जो सालों तक कड़ी मेहनत करने के बाद सेना भर्ती दौड़ और मेडिकल में फिट हुए थे या जो सेना में सेलेक्ट हुए थे। दरअसल इन युवाओं को यह कहकर बाहर किया जा रहा है कि तुमने एक से अधिक ARO, BRO, ZRO से रजिस्ट्रेशन करके सेना भर्तियों में भाग लिया है। देखिए साथियों, हमें ऐसे ही कई युवाओं ने फोन करके अपना दर्द सुनाया है, अपनी पीड़ा बताई है। इनमें से एक लड़के का कहना था कि घर में माताजी हार्ट की पेशेंट हैं, यानी माँ जी को दिल की बीमारी है। अगर उन्हें यह पता चल गया कि मुझे सेना भर्ती से बाहर कर दिया गया है तो सच में मैं अपनी माँ को खो बैठूंगा, क्योंकि उसे तो मेरे डिस्पैच का इंतजार है। अगर उसे यह पता चलेगा कि मुझे सेना भर्ती से बाहर कर दिया गया है तो वो यह सुनकर मर जाएगी। उस लड़के को खुद को सेना भर्ती से बाहर किए जाने का दुख तो है ही, साथ ही उसे अपनी माँ को लेकर भी बहुत ज्यादा दुख है। इसी तरह एक दूसरे लड़के ने भी हमें अपनी समस्या बताई। एक दूसरे लड़के ने कहा कि मैंने तो अपने दोस्तों की बातों में आकर सिर्फ दूसरे सेना भर्ती कार्यालय की भर्ती में रजिस्ट्रेशन ही किया था। दोस्तों ने कहा था कि रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, इसमें क्या जाता है, सिर्फ यह देखकर आ जाएंगे कि भर्ती में हाइट की नाप तोल कैसे की जाती है। इस लड़के ने उस भर्ती में भाग भी नहीं लिया था, लेकिन फिर भी इस लड़के को यह कहकर उसका डिस्पैच रोक दिया कि तुमने दो सेना भर्ती कार्यालयों से भर्ती देखी है। देखिए साथियों, मामला काफी गंभीर है, क्योंकि एक तरफ लंबे समय से सेना भर्ती रैली और एग्जामों पर रोक लगी है और दूसरी ओर इन चयनित और ग्राउंड फिट युवाओं को बाहर किया जा रहा है। ऐसे में युवा बहुत ज्यादा परेशान है। इन युवाओं का यह भी कहना है कि अगर सेना की ओर से ऐसा कोई नियम लागू किया गया है कि एक से अधिक सेना भर्ती कार्यालयों से भर्ती देखने पर उस अभ्यर्थी को बाहर कर दिया जाएगा, तो
तो इस बारे में कम से कम सेना और सरकार को पूर्व में इन युवाओं को इसकी जानकारी तो देनी चाहिए थी। उनका कहना है कि अगर हमें यह पता होता कि एक से अधिक सेना भर्ती कार्यालयों में रजिस्ट्रेशन करने से हमें बाहर कर दिया जाएगा, तो फिर क्यों हम अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारते? हम अपनी सालों की मेहनत यूं ही बेकार क्यों जाने देते? तो देखिए साथियों, वास्तव में उन युवाओं के लिए इस नियम ने आज एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। उन युवाओं का इस वक्त बुरा हाल है, वो घर जाने तक को तैयार नहीं है। इसलिए सरकारों को इन युवाओं के हित में, उनके भविष्य को देखते हुए इस नियम के तहत इन युवाओं को राहत प्रदान की जाए। और आप सभी युवाओं से क्या कहें? आपसे सिर्फ इतना कहेंगे कि आप सभी आज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी युवाओं को इस नियम के बारे में सही जानकारी मिल सके और जिम्मेदारों तक इन युवाओं की समस्या, इनकी पीड़ा पहुंच सके। तो चलिए साथी, फिर मुलाकात करते हैं आपसे सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।